आज हम स्टडी करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, इसमें हमने स्टडी किया था कि जब हम इनपुट सप्लाई देते हैं वी आई, है ना, जिसकी पॉजिटिव पीक होती है वी एम और निगेटिव पीक होती है माइनस वी एम, तो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ एक हाफ पास करता है हमारे आउटपुट पे और हमें मिलता है इस तरह से कुछ आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव हाफ आपको आउटपुट पे मिली है। हमने स्टडी किया था ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिला था उसकी एवरेज वैल्यू यानी कि डी सी वैल्यू जो थी वो थी आपकी वी एम अपॉन पाई यानी कि 0.318 वी एम, है ना। वैसे ही जो आउटपुट करंट होगी उसकी जो एवरेज यानी कि जो डीसी वैल्यू होगी वो थी आपकी आई एम अपॉन पाई यानी कि 0.318 इंटू आई एम। तो अगर ये आपका इनपुट वोल्टेज है ना, तो एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज यानी कि आपकी वी एम अपॉन पाई जो है वो कहाँ पे आएगी, आपकी 0.318 इंटू वी एम जो है वो आपकी, मान लीजिए इस लाइन से मैं शो कर रही हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है आपका डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज या एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज यानी कि वी एम अपॉन पाई, है ना, 0.318 इंटू वी एम। वैसे अगर मैं आउटपुट करंट की बात करती हूँ तो आउटपुट करंट की पीक वैल्यू क्या है, आई एम है, है ना, और एवरेज यानी कि डीसी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम अपॉन पाई यानी कि 0.318 इंटू आई एम। तो मैं इस लाइन से शो कर सकती हूँ उसको, मान लीजिए यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई आपकी 0.318 इंटू आई एम, तो ये पॉइंट, ये लाइन आपकी क्या शो कर रही है, आई डी सी यानी कि आई एवरेज। कैलकुलेट करना है हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट करंट की आरएमएस वैल्यू एंड आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरएमएस का मतलब क्या है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर हमने इनपुट वोल्टेज एसी लिया है, अल्टरनेटिंग लिया है ना, अल्टरनेटिंग लिया है जिसका पॉजिटिव हाफ भी है और निगेटिव हाफ भी है, तो इसका क्या मतलब है, इसकी हम दो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज एंड करंट की। एक तो होगी आपकी एवरेज वैल्यू यानी कि डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड डीसी वैल्यू ऑफ करंट, और दूसरी हमारी क्वांटिटी होगी आरएमएस, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो हम इसकी एवरेज एंड डीसी वैल्यूज के साथ साथ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है एक्स, वोल्टेज भी हो सकता है करंट भी हो सकता है, है ना, हमको बोला गया है कि एक्स का आरएमएस वैल्यू लीजिए, एक्स की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स को स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले हम एक्स को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ एक्स का हम निकालेंगे मीन, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पूरी वैल्यू को रूट, अंडर रूट उसका लेंगे यानी कि इसका रूट निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक्स को स्क्वायर करेंगे, फिर इस वैल्यू का मीन निकालेंगे, फिर इस पूरी वैल्यू को हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट। तो इस तरह से हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले उस आउटपुट करंट को मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगी, इसका मीन निकालूंगी, अब उसके बाद में क्या करूंगी, इस पूरी वैल्यू का रूट निकालूंगी। तो इस तरह से मैं हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट करंट का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट सिग्नल हम देते हैं उसका टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, टी, और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये लाई करता है 0 से 2π तक, है ना, 0 से 2π तक लाई करता है, जहाँ पे 0 से π तक तो हमें आउटपुट मिलता है क्योंकि हाफ वेव तो सिर्फ हाफ वेव ही रेक्टिफाई करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, तो 0 से π तक का हमें आउटपुट वी ओ मिलेगा, लेकिन पाई से 2π तक का हमको आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट सिग्नल होगी उसका टाइम पीरियड होगा आपका 0 से 2π। मुझे अगर आउटपुट करंट की आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा फंडा अपनाना होगा, सबसे पहले आउटपुट करंट लेना होगा, उसको स्क्वायर करना होगा। अगर आउटपुट करंट आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की आई है तो मुझे करना होगा उसको स्क्वायर, देन मुझे निकालना होगा उसका मीन,
और मीन में कैसे निकालूंगी, इस करंट को मैं इंटीग्रेट करूंगी इस पूरे टाइम इंटरवल टी के लिए, यानी कि 0 से 2 पाई के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी। तो मैं कैसे कर इंटीग्रेट करूंगी इसको, आई का स्क्वायर ले चुकी हूँ, अब मैं उसे इंटीग्रेट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, टी नहीं है ओमेगा टी है, और ओमेगा क्या होता है 2πf, यानी कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, है ना। तो मैंने क्या किया आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, और इसको इंटीग्रेट किससे किया है, रेंज पूरी क्या लिए मैंने 0 से 2π, है ना। तो रेंज क्या है आपकी 2π-0 यानी कि 2π। तो ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर भी हो गया आपके आउटपुट करंट का और उसका मीन भी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका रूट। तो इस पूरी वैल्यू का मैं निकालूंगी रूट, है ना। तो ये हो गई आपकी RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इस वैल्यू को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, है ना, और मैं रेंज यहाँ पे ले लेती हूँ 0 से π प्लस पाई से 2π आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, यानी आउटपुट करंट को मैंने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इस पूरी रेंज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 0 से π एंड पाई से 2π, है ना। इस तरह से इंटीग्रेशन हो गया और ये हो गया आपका 1/2π, कॉमन ले लिया यहाँ पे मैंने जो पूरी रेंज थी आपकी, देन मैं लगा दूंगी उस पर पूरा अंडर रूट, कि आउटपुट खाली आपको मिलने वाला है वी ओ 0 से π वाले रेंज में, पाई से 2π वाले रेंज में, यानी कि जब आपकी निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका निगेटिव साइकिल के लिए और ये हो गई आपकी पॉजिटिव साइकिल के लिए, है ना। तो ये पोर्शन आपकी पूरी 0 आ चुकी है, आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है इस पोर्शन को, है, क्योंकि इनपुट सिग्नल जो था आपका साइनोसॉइडल था, इसका मतलब ये जो आई है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ आई एम साइन ओमेगा टी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनपुट सिग्नल की वोल्टेज को मैं लिख सकती हूँ वी एम साइन ओमेगा टी, एंड करंट को मैं लिख सकती हूँ आई एम साइन ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि मैंने लिया है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, जहाँ पे मैं उस वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी को शो कर सकती हूँ ओमेगा यानी कि 2πf से, है ना। तो मैं इस आई को रिप्लेस कर देती हूँ आई एम साइन ओमेगा टी से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 से π, आई की जगह आ जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना, और ये आ गया 1/2π, और इस रेंज को मैं पूरा क्या करूँगी, अंडर रूट। आई एम आपका कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट है, है ना, इसलिए मैं क्या करती हूँ इस आई एम स्क्वायर को बाहर निकाल लेती हूँ, इस कांस्टेंट वैल्यू है ये, और मैं इंटीग्रेट करूँगी 0 से π साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी को। नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमको इंटीग्रेट करना है, है ना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, हम लगाएंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अपना। हमें पता है कि 2 sin² θ जो होता है वो होता है आपका 1 cos² θ, है ना। अगर ओमेगा टी की जगह मैं थीटा मान लेती हूँ तो मुझे पता है कि 2 sin² θ जो होता है वो होता है 1 cos² θ, या आपका ट्रिग्नोमेट्री का वेल नोन फार्मूला है, है ना। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1 cos² θ/2, है ना। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 cos² θ/2। अगर थीटा को मैं रिप्लेस कर देती हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी से, है ना, थीटा की जगह ओमेगा टी ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 cos² ωt/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं पुट कर दूंगी 1 cos² ωt/2, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। इस 2 को भी मैं बाहर ले जाती हूँ तो हो जाएगा आई एम स्क्वायर 4π, है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम 1 cos² ωt को विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी, माइनस cos² ωt का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin² ωt/2, और रेंज क्या होगी इसकी, 0 से
पाई, मैं यहाँ पे रेंज लगाऊंगी ओमेगा टी की जगह एक बार रखूंगी पाई और दूसरी बार रखूंगी ज़ीरो, तो यहाँ पे मैं रेंज लगाती हूँ ओमेगा टी की जगह रखती हूँ मैं पाई माइनस साइन टू पाई अपॉन टू, एंड अब मैं ओमेगा टी की जगह रखती हूँ ज़ीरो माइनस साइन टू ज़ीरो अपॉन टू, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेगी आई एम स्क्वायर अपॉन फोर पाई और ये सबका हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे मैं देखूँगी कि ज़ीरो माइनस साइन टू इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगा साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो ही होता है, तो ये पूरी टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी निगलेक्ट हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं हो जाएगा पाई माइनस साइन टू पाई यानी कि 360, ये भी होता है आपका ज़ीरो। ये वैल्यू आएगी आई एम स्क्वायर अपॉन फोर पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई। अगर मैं यहाँ पे अब स्क्वायर रूट को हटाती हूँ तो क्या होगा आपका आई एम स्क्वायर जो है ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आई एम, ठीक है, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये फोर है तो ये जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा टू। तो इस तरह से मेरी वैल्यू आ जाएगी आई एम अपॉन टू, किसकी आउटपुट आर एम एस आउटपुट करंट की आर एम एस वैल्यू क्या आएगी आपकी आई एम अपॉन टू। जी अगर मुझे आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ आई आर एम एस जो वैल्यू मेरी आ चुकी है इंटू बाई आर एल यानी कि लोड रेजिस्टेंस, है ना, तो वी आर एम एस की वैल्यू मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकती हूँ आई आर एम एस इंटू लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एल, ठीक है। आई आर एम एस क्या है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अभी अपन ने क्या डिराइव की थी आई एम अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई आर एल हो जाएगा ये, है ना, और आई एम की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ आई एम की जगह मैं लिख सकती हूँ वी एम अपॉन आर एल, है ना, तो ये हो जाएगा आपका वी एम अपॉन आर एल और ये मल्टीप्लाइड बाई आर एल, तो आर एल आपका कैंसिल हो जाएगा और वी आर एम एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी एम अपॉन टू, तो आई आर एम एस आ गया आपका आई एम अपॉन टू एंड वी आर एम एस आ गया आपका वी एम अपॉन टू। वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर का आ गया वी एम अपॉन टू जिसको मैं लिख सकती हूँ 0.5 इंटू वी एम, वैसे ही आई आर एम एस को मैं लिख सकती हूँ 0.5 इंटू आई एम यानी कि मैक्सिमम पीक वैल्यू जो है आपकी वोल्टेज की वी एम, वी आर एम एस क्या है उसका हाफ है, वैसे ही आई आर एम एस क्या है जो आपकी करंट की जो पीक वैल्यू है आई एम उसकी हाफ है, है ना, तो इसको वेव फॉर्म में मैं कैसे शो कर सकती हूँ, अगर ये आपका इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है जिसकी पीक वैल्यू वी एम है या आई एम है तो मैं आर एम एस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज कैसे शो कर सकती हूँ आई एम अपॉन टू या वी एम अपॉन टू से मैं शो कर सकती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई एम अपॉन टू या वी एम अपॉन टू यानी कि 0.5 ऑफ आई एम या 0.5 ऑफ वी एम, तो इस पॉइंट को मैं शो कर सकती हूँ किससे आई आर एम एस से या वी आर एम एस से, ठीक है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है आपका आई एम बाई टू या वी एम बाई टू यानी कि आई आर एम एस या वी आर एम एस की वैल्यू।